सो वेलकम स्टूडेंट, आई एम योर अभिषेक सर फ्रॉम सुपर नॉलेज पॉइंट। सो गाइस, इन द प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द ईमेल राइटिंग एंड टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नोटिस राइटिंग एंड बोथ आर ऑफ एस ICSE फॉर्मेट। मतलब जितने भी मैंने अभी तक लेटर ऐसे समझाए हैं वो सब ICSE के फॉर्मेट हैं। तो गाइस, ये हम लोग का नोटिस है जो ये भी ICSE के फॉर्मेट पे है। गाइस, नोटिस भी हम लोग के पेपर में 5 मार्क्स कवर करती है। कितने मार्क्स कवर करती है गाइस? 5 मार्क्स कवर करती है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग नोटिस लिखने का फॉर्मेट देखते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो कि मैंने पहले यहाँ पर बॉक्स बना दिया है। क्या गाइस, मैंने ये बॉक्स पहले से ही बना दिया क्योंकि बॉक्स बनाना ज़रूरी होता है। नोटिस हमेशा बॉक्स के अंदर होती है। ओके गाइस, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक कैची हेडिंग, मतलब ऐसी हेडिंग लिखी जिससे आपके नोटिस को लोगों को पढ़ने का मन कर जाए। नहीं तो आप यहाँ पे अगर बोरिंग से लिखेंगे तो कोई आपकी नोटिस को पढ़ेगा ही नहीं। यहाँ पे मस्त सी कैची हेडिंग, उसके बाद डालेंगे टॉपिक। टॉपिक का मतलब कौन सा कोई इवेंट है, प्रोग्राम है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर टॉपिक में अगर आप इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन लिखेंगे तो कैची हेडिंग में आप क्या लिखेंगे? वॉर ऑफ वर्ड्स, तो आपका लोग पढ़ना पसंद करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? डेट, मतलब कि जिस डेट को है वो फंक्शन या इवेंट, वो हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे हम लोग सॉरी गाइस डेट, मतलब सब कुछ एकदम सेंटर पे होना चाहिए। तो डेट, उसके बाद टाइम, कितने बजे से कितने बजे तक है, क्योंकि कितने बजे से आप कितने बजे से उस इवेंट को शुरू कर रहे हैं और कितने बजे ख़त्म होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद वेन्यू, वेन्यू मतलब जिस जगह पे ये इवेंट किया जा रहा है। जैसे अगर आप रायबरेली में इवेंट कर रहे हैं तो रायबरेली में सिविल लाइन के पास हो रहा है, तो वो सब आप लिखेंगे। किस स्कूल में हो रहा है, हॉल में हो रहा है कि लाइब्रेरी में हो रहा है, वो सब आपको यहाँ पे वेन्यू में उसकी जगह पे लिखना, मतलब उसका प्लेस, उस जगह जब कोई आएगा तो उस जगह को आप बताना है आपको किस जगह ये इवेंट हो रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2-3 लाइन पे, ऐसे एक लाइन लिखेंगे, ऐसे एक लाइन लिखेंगे और ये बॉडी हो जाएगी इसकी, मतलब कि आपने क्या बेसिक समरी में, मतलब हल्का फुल्का आप यहाँ पे उसके बारे में बता देंगे। 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होगा। ओके गाइस, अब चलिए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल का मतलब एक अच्छा सा इसका क्वेश्चन लेके उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। गाइस, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और फिर हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। सो देखिए गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, हमने क्वेश्चन नोट कर लिया, अब हम लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन लिखा है, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द चिल्ड्रन क्लब इन योर लोकेलिटी। यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ चिल्ड्रन क्लब इन योर लोकेलिटी, राइट अ नोटिस टू बी पुट इन द लोकल सुपर मार्केट गिविंग डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ एन इवेंट। तो गाइस, मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ चिल्ड्रन क्लब इन योर लोकेलिटी, राइट अ नोटिस टू बी पुट अप इन द लोकल सुपर मार्केट गिविंग डिटेल्स इन द प्रोग्राम टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ द इवेंट। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कैची हेडिंग। कैची हेडिंग मतलब कि आप क्या है, आपको एक टीचर्स डे पे मनी प्लान करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टीचर्स को बुलाएंगे। यहाँ पे कैची हेडिंग हो सकती है थैंक यू टीचर्स। क्या गाइस, एक कैची हेडिंग हो सकती है थैंक यू टीचर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टॉपिक जो है, तो वो है अ कल्चरल, मतलब टॉपिक क्या है, टॉपिक है हम लोग का टीचर्स डे, अ कल्चरल A cultural प्रोग्राम टू सेलिब्रेट मैं यहाँ पर छोटा छोटा लिख देता हूँ टीचर्स डे। ओके गाइस, ये हो जाएगा हम लोग का थैंक यू टीचर, अ कल्चरल प्रोग्राम टू सेलिब्रेट अ टीचर्स डे। उसके बाद क्या लिखता है, डेट। डेट मतलब किस डेट को हो रही है, तो जो डेट पे आप लिखेंगे, जैसे कि आज जो सी डेट है, जैसे आज 18 तारीख है, तो 18/02/2021। अब देखिए गाइस, पर ये फॉर्मेट हम लोग को नहीं लिखना है, ये इस तरह अगर आप लिखेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। इसमें देखिए, डेट लिखने का भी तरीका होता है।
आपको तहजीब से डेट लिखनी होती है। देखिए इसमें हम लिखेंगे ऑन 18 फरवरी, ऑन 18 फरवरी 2020 में। गाइस ये होता है तरीका डेट लिखने का। इसी तरह आप ईमेल में भी लिखेंगे और लेटर में भी लिखेंगे, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। अब देखिए उसके बाद डेट हो गया टाइम फ्रॉम 9 AM टू 12 PM। फ्रॉम और टू का ऑप्शन एट मतलब जगह, एट स्कूल ऑडिटोरियम, उसका कॉमा लगा के आप स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे ST Hilda School, St. Hilda School। ओके गाइस क्या हो गया, कैची हेडिंग हो गई, टॉपिक हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया, वेन्यू हो गया। अब आपको तीन लाइन में आपको बॉडी लिखनी है, ऑल टीचर्स हु आर रेसिडेंट ऑफ द साउथ सिटी कॉम्प्लेक्स, ऑफ द साउथ सिटी, ऑफ द साउथ सिटी कॉम्प्लेक्स आर कॉर्डियली इनवाइटेड। तो गाइस अगर आपको यहाँ पे पूरा एक नंबर चाहिए हो तो आपको यहाँ पे मतलब वोकैबलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, उस वोकैबलरी के लिए आप रोज कुछ वर्ड्स याद करें। तो ये हो गया हम लोग का नोटिस का फॉर्मेट। गाइस तब तक के लिए अगर आपकी नोटिस अच्छी लगी हो तो गाइस तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए।